गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन EVS क्लास। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 58, एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में जो डिटेल दी है उसको देखते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना। प्लांट्स लिविंग थिंग है, दे कैन ग्रो, दे कैन ब्रीद, ओके। तो प्लांट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, मेडिसिन एंड मैनी मोर थिंग्स। लाइक दे आर वैल्यूएबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर से ने प्रोवाइड किए हमें, ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये देखिए, रूट्स, दिस इज स्टेम, दीज आर लीव्स, ये बड है यहाँ पर, ये देखो, और ये है फ्लावर, ठीक है। और जो ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और अबव द ग्राउंड होता है शूट सिस्टम, ठीक है। आप ध्यान से देखो इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको ये पिक डायग्राम। ये देखिए, शूट सिस्टम में क्या क्या है, स्टेम, लीफ, बड एंड फ्लावर, एंड रूट सिस्टम में आ गई रूट्स। मिट्टी में ये रूट्स हैं जो पानी डालते हैं, उसको मिट्टी को पकड़ लेती हैं आराम से, और फिर यहीं से वाटर पूरे प्लांट में ट्रेवल करता है, ओके। आगे देखो, नाउ लेट अस सी अबाउट द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में आज पढ़ते हैं। द रूट ग्रोज डीप इन टू द सॉयल एंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। रूट जो होती हैं वो सॉयल में बहुत नीचे तक ग्रो करती हैं, ठीक है, और रूट सिस्टम फॉर्म करती हैं। रूट्स ऑल्सो होल्ड प्लांट्स फर्मली टू द सॉयल। रूट्स की वजह से ही प्लांट जो है वो सॉइल में फिक्स रहता है, पकड़ा हुआ रहता है, खड़ा रहता है। रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स, मेनली रूट्स दो तरह के हैं, एक है टैप रूट और दूसरी है फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट्स के बारे में देखो, द रूट विद वन थिक मेन रूट एंड मैनी स्मॉल रूट्स राइजिंग फ्रॉम द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट कैसे होती है, ये देखो, ये मेन रूट है आपकी, और उसी में से छोटी 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 बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की रूट को क्या कहते हैं, टैप रूट। टैप रूट इज़ क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। टैप रूट तो थिक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं ये बहुत थिन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडिश, कैरेट, टर्निप, नीम एंड मैंगो। ये देखो इनकी, ये आपको एग्जाम्पल में यहाँ रेडिश दिखाई हुई ना, रेडिश की देखो रूट्स कितनी हल्की हल्की हैं। आपने कभी आजकल कैरेट खरीदो, कैरेट में कईयों में जब फ्रेश, आप गांव में जो रह रहे हैं लोग, बच्चे, वो तो स्पेशली देख सकते हैं कि कैरेट जब निकालते हैं तो उसमें कैसे रूट्स निकली होती हैं, ठीक है। और टर्निप होता है शलगम, कैरेट, गाजर, टर्निप, शलगम। नेक्स्ट इज फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम होता है प्लांट्स दैट हैव मैनी थिन रूट्स राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट। जो डायरेक्टली बेस से ही बहुत सारी, देखो इकट्ठी बहुत सारी निकल रही है ना, ये देखिए, थोड़ा पिक्चर बड़ी करते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं ध्यान से। ये देखो, डायरेक्टली यहीं से बहुत सारी निकल रही हैं, तो ये होती है फाइबरस रूट सिस्टम, ओके। दे डू नॉट ग्रो डीप इन टू द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाती हैं, और दे ब्रांच, फाइबरस रूट्स ब्रांच साइडवेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। बहुत नीचे तक नहीं जाती है, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स को इकट्ठा पकड़ कर रखती हैं, ओके। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉर एग्जाम्पल, राइस, ग्रास, मिलेट, मेज। ये राइस, ग्रास, मिलेट, मेज और वीट तो फाइबरस रूट के एग्जाम्पल्स हैं, और प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन होता है मिट्टी की बर्बादी, तो ये मिट्टी की बर्बादी को रोकती हैं, क्योंकि मिट्टी को ये पकड़ कर रखती हैं। नाउ टर्न द पेज प्लीज। नेक्स्ट पेज पे देखो, स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स।
अलग अलग तरह की रूट्स दिखाई हैं, जैसे हैं वाटर स्टोरिंग रूट्स, वो रूट्स जिनमें वाटर स्टोर रहता है. गॉर्ड एंड पम्पकिन आर वाटर स्टोरिंग रूट्स, इट्स रूट्स स्टोर वाटर. गॉर्ड और पम्पकिन, गॉर्ड होता है लौकी और पम्पकिन कद्दू. ठीक है, लौकी और कद्दू में वाटर स्टोरिंग रूट्स होती हैं ये, और ये अपने अंदर पानी स्टोर रखती हैं. नेक्स्ट है बट्रेस रूट्स, दीज आर लार्ज रूट्स ग्रोइंग ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ टॉल ट्री. बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी साइड्स पर बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं. ठीक है, फूड स्टोरेज रूट्स, फूड स्टोरेज रूट्स हैं रेडिश, बीट रूट, कैरेट, ये सब. ठीक है, जिनको हम खाते हैं डायरेक्टली. सम रूट्स आल्सो हेल्प स्टोर फूड, फॉर एग्जांपल यम, टेपोका, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये सारी जो हैं ये सब फूड स्टोरेज रूट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली खा लेते हैं. नेक्स्ट देखो प्रोपेगेटिंग रूट्स, सम प्लांट्स हैव बर्ड्स विद द रूट. कुछ प्लांट्स में रूट के साथ ही बर्ड होता है. दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स लाइक इन द केस ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड चेरी प्लांट्स. चेरी और स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में जैसे होता है ना, इन्हीं से और दूसरे प्लांट्स निकल आते हैं, तो ये वो रूट्स हैं. एरियल रूट्स, अब एरियल रूट्स कौन सी होती है? ट्रीज लाइक बनियन हैव एरियल रूट्स एज दे फॉर्म द ब्रांचेस. बनियन ट्री की एरियल रूट्स होती हैं क्योंकि उन्हीं रूट्स से फिर आगे और ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ट्री बड़ा होता रहता है. इट नीड्स न्यू रूट्स टू प्रॉप इट अप एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर. और इसको, इनको ज़रूरत होती है रूट्स को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, पूरे से निकलते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिकस एंड पीपल ट्रीज, पीपल ट्रीज वगैरह में होता है. वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट रूट्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीद. हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ट्रीज़ की रूट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है ताकि वो सांस ले सकें. पेवमेंट्स डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू पास इन टू द सॉइल. जो रास्ता होता है फुटपाथ, पेवमेंट होता है फुटपाथ, जो रास्ता होता है वो ऑक्सीजन को सॉइल में पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है. ठीक है ना, कि सॉइल में जाए. केयर मस्ट बी टेकन टू लीव एटलीस्ट 2 feet ऑफ अनकवर्ड ग्राउंड अराउंड द ट्रीज. इसीलिए कहते हैं कि दो पौधों के बीच में या दो पेड़ों के बीच में कम से कम 2 feet का डिफरेंस होना चाहिए ताकि उसमें से आराम से ऑक्सीजन वहाँ से पास हो सके. ठीक है, आगे है फंक्शंस ऑफ रूट्स. रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को अच्छे से फिक्स करके रखती हैं ग्राउंड में. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल विच आर यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक फूड. रूट्स ये होती हैं जो वाटर और मिनरल को सॉयल में से एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसको, उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स. कैरेट और रेडिश जैसे प्लांट्स, अभी हमने पहले भी पढ़ा था फूड स्टोरेज रूट्स में, कि कैरेट और रेडिश वो प्लांट्स हैं जो फूड स्टोर करते हैं अपने ही अंदर और उन्हें हम डायरेक्टली खा सकते हैं. दे आर कॉल्ड स्टोरेज फूड्स. Sometimes when there is a shortage of, please turn the page. पीछे था, sometimes when there is a shortage of food, people survive by eating roots. जब कभी food की कमी हो जाती है तो लोग roots खाकर ही जिंदा रहते हैं. Thus they are also called famine food. इसीलिए इनको हम famine food भी कहते हैं. Famine food मतलब shortage में जो कमी को पूरा कर रहे हैं. सम प्लांट्स लाइक द बनियन ट्री हैव रूट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे बनियन ट्री जिनकी रूट्स ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती हैं. देखो बनियन ट्री बना हुआ है यहाँ पर, इसकी रूट्स यहीं से ब्रांचेस से ही निकलती हैं. दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज. मैंने अभी बताया ना, ब्रांच से ही निकलती हैं. दे हेल्प इन गिविंग बेटर सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेज ऑफ अ ट्री. और इसकी ब्रांचेज हैवी होती हैं, वो रूट्स निकलने से जब वो फिर नीचे सॉइल में फिक्स होना शुरू हो जाती हैं तो ब्रांच को पूरी सपोर्ट मिलती है और वो आगे ग्रो करते रहते हैं. आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी शूट सिस्टम अब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आपने इतना चैप्टर रीड करना है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.